अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तहसीन जावेद है एंड यू आर वाचिंग टीजे स्टाइल चैनल। ये हमारा बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चल रही है, जहाँ पर ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड इमेजेस अपलोड कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने पिछले अपने सेशन के अंदर किया था। तो आज हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मुझे W3 स्कूल के अंदर मिली है रिपीट के हवाले से, बैकग्राउंड रिपीट। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, जी यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड, ये मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी आ गई। अब आगे मेरे पास जो है वो रिपीट ऑन एक्स एक्सिस, मैं इसको सेव करवा के देखता हूँ आपके पास आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब हमारे पास रिपीट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ, मतलब कि हमारे पास जो बैकग्राउंड रिपीट होगा वो सिर्फ इस तरीके से हॉरिजेंटली रिपीट होगा। अगर मैं इसको काट कर रिपीट वाई कर देता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास वाई एक्सिस पे रिपीट होगा हमारे पास बैकग्राउंड। सिमिलरली अगर मैं इसको ना एक्स ना वाई, मैं इसको करता हूँ राउंडेड, तो हमारे पास क्या सीन होगा कि हमारे पास यूं राउंड थ्रू राउंडली हमारे पास रिपीटेशन का प्रोसेस चलेगा। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसको रिपीट करने के, मैं कोशिश करूँगा कि नो रिपीट पे जाऊँ। ओके जी, और नो रिपीट के बाद हमारे पास सिर्फ एक सिंपल जितना इसकी विथ और हाइट है उस हिसाब से ये मर्ज कनेक्ट हो जाएगा उससे। तो जी ये हमारे पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टीज आ गई। और हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज इसमें आ सकती हैं, एक और हमारे पास आती है बैकग्राउंड पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमें अपने बैकग्राउंड किस पोजीशन से लेकर आना है। बैकग्राउंड लिख लेता हूँ पोजीशन। ओके जी, हमें इसको राइट से लेकर आना है, तो ये राइट पे सेट हो जाएगी। ओके, अगर मुझे इसको लेकर आना है अपने लेफ्ट से, तो ये हो जाएगी लेफ्ट पे। मतलब आप मल्टीपल राइट टॉप राइट लेफ्ट इस तरीके से, और टॉप लेफ्ट हो गया, तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी खुद सेट कर सकते हो यहाँ पर एस योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। तो आपने पोजीशन का भी सीन हो गया। अब हमारे पास अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये जो है काफ़ी आजकल बल्कि काफ़ी टाइम से ये यूज़ किया जा रहा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके आपके जो वेबसाइट है उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वो मेन्यू हो गया जिससे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। तो उस सूरत में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो बैकग्राउंड की इमेज बैकग्राउंड जो है वो आपका मूव होगा नीचे की तरफ या नहीं होगा, या वो एक जगह फिक्स रहेगा, तो ये वो आपको इन्फॉर्म करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने पास बैकग्राउंड और अटैचमेंट, मैं इसको कर देता हूँ फिक्स्ड, और मैंने इसको किया सेव। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको br करता हूँ ताकि इसको एक ब्रेक मिले, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ताकि हमारे पास एक कंटेंट बन जाए, ताकि एक ड्रॉप डाउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास
हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो एक जगह पे फिक्स हुआ हुआ है। मैं काम करता हूँ इसको, जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है उसको नो रिपीट हटा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, और मैंने इसको सेव करवाया जी। तो देख सकते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है वो एक जगह पे फिक्स है और आपका कंटेंट हिल रहा है, चेंज हो रहा है आपका कंटेंट। अगर मैं क्या करूं कि मैं इसको फिक्स ना करूं, बस मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो देखें जी ये हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा है बैकग्राउंड। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, अच्छा लग रहा था। तो जी अभी तक के लिए बैकग्राउंड का इतना ही। मेक श्योर मैं देख लूँ पहले कि आगे और भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास जी। ये आखिरी है, इसके बाद वाली जो है फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखें हमने अभी एक अलग अलग लाइंस के अंदर ये अपनी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज फिक्स की है। हमारे पास CSS3 ने एक ऑप्शन भी दिया है जहाँ पर एक ही फाइल के अंदर अपनी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को दिखा सके। यहाँ से मैं लिखता हूँ 10.jpg, ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिपीट और राइट टॉप, और मैं इस तरीके से इन दोनों को फिर डिलीट करके सेव करवा के देखता हूँ कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी चलती है नहीं चलती। तो जी हमारे पास अभी भी यही प्रॉपर्टी काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि वही मेरे पास इमेज 10.jpg आ गई है, जबकि मैंने ऑलरेडी उसका कंटेंट चेंज करा हुआ है और काफी कुछ मेरे पास रिपीट भी चल रही है। हमारे पास अगर मैं इसको करूं नो रिपीट, तो हमारे पास ये रिपीट नहीं होगी कोई भी चीज, तो मतलब ये हमारे पास काम कर रही है और हमने एक ही लाइन में अपनी इसकी पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई चैनल मेक श्योर यू शेयर सब्सक्राइब एंड आई क्लिक माई बेल आइकन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप जिस तरह ये वेबसाइट सीख रहे हो, उस आप इस वेबसाइट को सीख के आप किस तरह सेल कर सकते हो, उसके बारे में मैं आगे इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग के बारे में ज़रूर बताऊँगा किस तरीके से आप कर सकते हो। सो मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।